हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तारा यासीन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी स्पेशल होने वाली है, स्पेशली आप लोगों के लिए। वो इसलिए क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपना बैग अपना बैग के ना, मेरे बैग में क्या क्या है, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, और सफ़र में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी, और आपको क्या क्या रखना चाहिए। आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प भी हो जाएगी अगर आप नाउ अभी ट्रैवल कर रहे हो, करने वाले हो। तो मैं 2 दिन तक करूंगी, 2 दिन आफ्टर 2 दिन तक तो मैं कहाँ जा रही हूँ ये सब कुछ अगली वीडियो में बताऊंगी, और साथ साथ आपको वहाँ की वीडियो सब कुछ, जो कि मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा, आपने वो लाजिम देखना है। तो अब चलते हैं अपने बैग की तरफ कि मेरे बैग में क्या क्या है। तो ये रहा मेरा बैग जो कि मैं अपने साथ लेकर जाने वाली हूँ, और अभी इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या निकलता है। तो सबसे पहले है इसमें मेरा बैंड, हेयर बैंड, जबकि कहीं पर भी हो, बाल ओपन है, कुछ भी हैं, तो ये क्या है कि आपके बैग में ज़्यादा जगह नहीं घेरता, बहुत ही ईजीली आप इसको ऐसे फोल्ड करके अपने बैग में कैरी कर सकते हो, ज़्यादा स्पेस नहीं लेता। तो इस तरह से ये मेरा एक हेयर बैंड है, सो इसको मैं बाहर रख देती हूँ। सेकंड है मेरी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो कि अभी विंटर है, और विंटर के अलावा भी आपके पास मॉइस्चराइजिंग क्रीम होनी चाहिए, जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा 24 आवर्स में मॉइस्चराइजिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा नीड होती है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने की। तो मैं लेती हूँ डव की, जो कि हमेशा मेरे बैग में रहती है, और मैं डव की ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो उसके अलावा यहाँ पर आते हैं, ये रहा सनब्लॉक, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं आपको क्या बताऊँ कि कितना ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप घर पर हो, अपनी स्किन की इतना ज़्यादा केयर कर रहे हो, इतना ज़्यादा अगर आप अपनी स्किन की केयर करते हो, और अगर आप 10 से 15 मिनट भी बाहर धूप पर चले जाते हो, तो आपकी जो इतनी सारी मेहनत होती है आपकी स्किन की, वो सारी ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो आपके पास लाजिम आपके जो सनब्लॉक है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ रिवाज का सनब्लॉक, जो कि आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप लेना चाह रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं खुद ये यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा सनब्लॉक है। तो इसके अलावा आते हैं ये रहा, ये हैं वाइप्स। वाइप्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैवल में। आप अपना मेकअप रिमूव कर सकते हो, जैसे अगर ज़्यादा लंबा कर रहे हो तो वहाँ पर आप सो जाते हो, उठते हो, पानी नहीं भी मिलता, फ्रेश हो जाते हैं इससे। और ये रहे मेरे वाइप्स, इससे फेस आप बहुत ईजीली क्लीन कर सकते हो, और अच्छा भी हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। तो इसके अलावा मेकअप रिमूवर, ये मैं लाजिम रखती हूँ, इससे भी आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है और डीपली क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पे मैं गार्नियर का, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से मेरे साथ हो, मुझे देखते आ रहे हो, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। उसके बाद आते हैं एलोवेरा, जो कि ये सबसे स्मॉल साइज़ मैंने लिया है, सबसे छोटा वाला साइज़ लिया है। जब मैंने अपने फेस को क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद मैंने और कोई मेकअप नहीं करना, या फिर अगर आप मेकअप कर भी रहे हो तो एज अ प्राइमर आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं प्राइमर अगर नहीं है तो मैं इसमें और प्राइमर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं समझती, तो मैं ये वाला चलाती हूँ, मैं ये ज़्यादा यूज़ करती हूँ, डेली रूटीन में भी मैं ये यूज़ करती हूँ, इससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है आपकी। तो मेरा एक ये हो गया। दूसरा जो है हेयर ब्रश, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सबसे जो छोटे साइज़ का मुझे मिलते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें मैं बहुत ढूंढती रहती हूँ, क्योंकि अगर कहीं पे भी आप जा रहे हो, अगर ट्रैवल नहीं कर रहे, आप जॉब पे भी जाते हो, आप डेली रूटीन में अपनी ये सब चीज़ें अपने बैग में रख सकते हो। तो छोटे साइज़ का एक मेरे पास हेयर ब्रश होता है, और उसके अलावा है मेरा चार्जर, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर तो आपकी लाइफ वैसे ही नहीं गुजरती, आपका दिन इसके बगैर वैसे नहीं गुजरता, और ट्रैवल में तो बिल्कुल भी नहीं गुजरेगा। ट्रैवल अगर आप कर रहे हो, आपका मोबाइल बंद हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाते हो, काफ़ी जगहें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ों की, कुछ अच्छी अच्छे जगहों की अगर आपको कुछ कैप्चर करना होता है, मोबाइल बंद हो जाता है, तो बड़ा दुख होता है। तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा मेरा हैंडबैग, इसमें मेरा NIC और मेरा
सब कुछ होता है, मोबाइल भी इसी में ही होता है। दूसरा यहाँ पर है, छोटू सा है यहाँ पर मेरा ये पैलेट, ब्रशेस पैलेट हैं, ये क्रिस्टाइन की थी जो कि मेरी सिस्टर ने मुझे ला कर दी है, ये सऊदीया से। आई डोंट नो कि ये यहाँ पर है या नहीं है। अगर छोटे साइज़ का हो ना, जितना छोटे साइज़ की चीज़ें हैं वो आप अपने बैग में रखो। तो सबसे छोटा मुझे यही लगता है, देख सकते हो आप। और इसमें मैं ब्रश दिखा देती हूँ, क्योंकि हम रास्ते में इतना ज़्यादा तो मैं मेकअप आप भी नहीं कर सकते। तो इसमें फाउंडेशन ब्रश है एक, और इसमें एक ये पाउडर का ब्रश है, इससे आप लशन भी लगा सकते हो। दूसरा इसे आप हाइलाइटर भी लगा सकते हो। एक मैंने इसमें अलग से और एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये वाला, इसे मैं अपनी आईब्रोज बना लेती हूँ। और इससे आप अपना आई शेडो लगा सकते हो। दूसरा ये वाला है, ब्लेंडिंग ब्रश भी है, ये 2 in 1 है। तो इसमें ये बिल्कुल छोटी सी पैलेट है और बहुत ही आराम से आ जाती है। आप इसको, इस तरह की छोटी पैलेट जो है वो आप डेली रूटीन में, आप जॉब करते हो तो वो भी अपने बैग में रख सकते हो। उसके अलावा हमारा परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, जो भी आप यूज़ करते हो, तो मैं ये यूज़ करती हूँ, तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चीज़ पे, और अब है यहाँ पर मस्कारा। ये आप देख सकते हो, मैं लेती हूँ रिवाज का मस्कारा, जो कि मैं डेली रूटीन में भी ये वाला यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मैं ये वाला रखती हूँ, आप, आपका जो भी मस्कारा हो आप वो ले सकते हो। उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से आपकी सेफ्टी सबसे पहले है, आपको सबसे पहले अपने आप को सेफ करना चाहिए। और अगर इस तरह का आपको मिल जाता है ना, इस तरह का, तो आप क्या करो कि आप अपने बैग में इस तरह से भी इसको लगा सकते हो, कि बार बार आपको, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, बार बार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा अपने बैग में से। तो इस तरह का मिल जाए तो ये भी बेस्ट है। और अब आते हैं अगली चीज़ पर, तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारे अपने लिपस्टिक शेड्स रखती हूँ अपने बैग में, जो कि मुझे कभी भी कोई भी इसमें से मिल जाए। तो यहाँ पर काफ़ी सारे शेड्स हैं, ये मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा जो मैं अपने लिप पेंसिल्स और कलर जो मैं अपने लेती हूँ वो हैं रिवाज के, ये वाले शेड न्यूड शेड हैं ज़्यादातर, इसमें मेरे न्यूड शेड होते हैं। और इनमें से मुझे कोई भी मिल जाए मैं वो उठा के लगा लेती हूँ। तो इसमें से ये है, ये भी रिवाज का ही है, ये तीनों रिवाज के हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये मैट लिप ग्लॉस हैं, ये भी सारे मेरे बैग में ही होते हैं हमेशा, कि इनमें से मुझे कोई भी मिल जाए तो मैं जल्दी से लगा लूँ। तो ये हो गया, और इसको मैं वापस डाल देती हूँ क्योंकि अब मेरा बैग खाली हो गया है। और इसके अलावा हमारी लिप बाम, अपने लिप्स को मॉइस्चराइज लाजिम करना है अपनी स्किन के साथ साथ, तो आपको अपना लिप बाम भी रखना नहीं भूलना, वो भी अगर आप अभी मेरे साथ बैग बना रहे हो तो जल्दी से ये भी डाल लो। तो लिप बाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं पे भी जा रहे हो। इसके बगैर अगर आप लिपस्टिक लगाओगे तो आपके लिप्स बहुत ख़राब लगते हैं, फटे फटे से लगते हैं, तो ये मस्ट है। सो इसके बाद आते हैं हमारी, मेरी पोनीज। पोनी का होना, मैं हमेशा अपने बैग में पोनी, तो लाजिम 3 से 4 पोनी एक्स्ट्रा जो हैं, ये देखें, मेरे बैग में रहती हैं। तो यहाँ पर पोनी है ये कुछ, और फाउंडेशन जो कि मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ आप वो जानते हैं, मुसरत मिसबा की फाउंडेशन, और या फिर मैं मैक की यूज़ करती हूँ, अब ज़्यादातर मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ। तो ये जैसे बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, फेस क्लीन करने के बाद आपने एज अ प्राइमर आपने एलोवेरा जेल ले लेनी, उसके बाद अपनी फाउंडेशन ले लेनी है, और सिंपल है बस इतना सा मेकअप। और हमारा ब्यूटी ब्लेंडर हो गया, और ब्यूटी ब्लेंडर यहाँ पर ये और भी लिपस्टिक के शेड्स हैं। इसके अलावा जो है ये मेरी कंटोरिंग पैलेट, अब जब मैं मेकअप करती थी तो मैं हमेशा आपको कहती थी कि ये छोटी सी पैलेट है, आप इसे कहीं पे भी लेके जा सकते हो, और ये बहुत अच्छी पैलेट है, इससे आप अपना आई मेकअप कर सकते हो, आप अपनी आईब्रोज बना सकते हो। तो अब इस पर आते हैं, तो ये रही क्रिस्टीन की कंटूरिंग पैलेट। और मुझसे मेरी एक व्यूवर्स पूछ रही थी कि मैं कभी शेड इसका नहीं बताती, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 03 इसका शेड है, अब दिख रहा है 03 इसका शेड है, जो कि मैं यूज़ करती हूँ।
और इसके मैं शेड्स आपको दिखा देती हूँ। ये शेड्स हैं जिससे मैं अपनी आईब्रोज बनाती हूँ, इस वाले शेड से, ये डार्क वाले शेड से। इससे आप अपनी आईब्रोज बना सकते हो और इससे आप अपनी कंटूरिंग कर सकते हो। रास्ते में हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो इस वाले शेड से आप अपना आई मेकअप कर सकते हो। ये इस वाले से भी आप अपना आई मेकअप कर सकते हो और फेस की कंटूरिंग कर सकते हो। तो ये छोटी सी पैलेट है, इसमें मिरर भी दिया गया है। आपको इसके लिए एक्स्ट्रा मिरर अलग से रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें ये काफ़ी हेल्पफुल है, ये वाली जो हमारी पैलेट है, जो कि मैं हमेशा आपको बताती रहती थी, और ये वाली पैलेट हमेशा मेरे बैग में रहती है। और इसके अलावा ब्राउन्ज़र, अगर आप कंटूरिंग पैलेट नहीं लेकर जाना चाह रहे हो, वो तो मस्ट है जो मैं रखती हूँ। उसके अलावा अगर आपको कंटूरिंग नहीं करनी तो रास्ते में कौन कंटूरिंग करता है, ब्राउन्ज़र ले लें। ब्राउन्ज़र मैं रखती हूँ, अगर आपके मेकअप में है तो आप ब्राउन्ज़र रख सकते हो। यहाँ पे मैं एसेंस का लेती हूँ, जो कि हमेशा मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, एसेंस का बहुत अच्छा ब्राउन्ज़र है। यहाँ पर हमारा बैग हो चुका है, पूरा खाली हो चुका है। और अब मैं आपको कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि मैंने तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो, अगर मैं मेकअप नहीं भी करती तो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो ये सन ब्लॉक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो आपने मेरे साथ कनेक्ट रहना है, आपने मेरी वीडियोस देखते रहना है। तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं ये खुद पहले यूज़ नहीं करती थी, तो मैंने अपनी स्किन बहुत ख़राब की है, जो कि मुझे नॉलेज नहीं था। जब से मुझे इन चीज़ों का नॉलेज हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी इन चीज़ों का नॉलेज हो, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको अभी भी पता नहीं है कि ये किस लिए होता है, या फिर अगर पता भी है तो इतना ज़्यादा वो इसे इम्पोर्टेंट नहीं समझते। तो कितना नुकसान है इसके बगैर, आप जब धूप पे जाते हो आपकी स्किन को कितना डैमेज करती है धूप। तो उस वजह से मैं आपको ये कहूँगी कि ये मस्ट है, लाजिम है आपके बैग में होना। दूसरी बात, ये रिवाज का बहुत अच्छा चल रहा है, आप इसे बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे यहाँ तक आप अपने हाथों पे लगा सकते हो, आप अपनी नेक पे लगा सकते हो, जो जो आपकी ये हाथ हैं, पाँव हैं, जो जो चीज़ आपकी बाहर शो हो रही है धूप में, आप उसकी जगह पर यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और आपने इसको अप्लाई करके देखना है, जो कि अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे इतने टाइम से, अगर आप ये यूज़ नहीं करते, आपने सिर्फ और सिर्फ अगर आप डेली बाहर निकलते हो, आपने 10 दिन ये लगाकर चेक करना है कि आपको विदाउट सन ब्लॉक के क्या फ़र्क रहा और सन ब्लॉक के साथ कितना फ़र्क पड़ा है। तो मैं आपको कहूँगी कि ये लाजिम, अगर आपने अभी तक नहीं लिया और आप सोच रहे हो कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये मैं लाजिम कहूँगी कि आप ये लाजिम रखो अपने बैग में, आपकी डेली रूटीन में ये होना चाहिए। दूसरी बात, वाइप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अभी मैं आपको गिनी चुनी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लाजिम होना चाहिए। दूसरा, ये वाइप्स होना बहुत ज़रूरी है, वो आप जानते हो, और ये तो ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर ये नहीं भी है तो इट्स ओके, अगर ये है तो आप अपने बैग में रख लो। अगर आप मेकअप करते हो तो मेकअप आपका वाइप से इतना ज़्यादा डीपली क्लीन नहीं होता जब तक आप ये यूज़ नहीं करते। तो ये हो गया। उसके अलावा एलोवेरा, अगर आपने अभी तक नहीं ली तो ये भी लेकर अपने बैग में रख दें, ये बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आपके पोर्स, लार्ज पोर्स हो चुके हैं, तो आप डेली रूटीन में सिर्फ और सिर्फ इसे भी लगाते हो, तो आपके जो लार्ज पोर्स हैं वो छोटे 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 होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब तक मुझे नहीं पता था और जब मुझे पता चला, तो ये इसने मेरे स्किन पे बहुत अच्छा वर्क किया, मेरी स्किन बहुत अच्छी होगी इसकी वजह से, और मैं अभी भी इसको डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ। तो ये हो गई हमारी इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें, और ये हो गई एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये होना बहुत ज़रूरी है। जितना आपकी स्किन ड्राई होगी, उतना डल होगी, उतना डार्क होगी, उतना ख़राब होगी। तो आपको अपनी स्किन की साथ साथ केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मॉइस्चराइज़र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा लिप बाम। तो ये चीज़ें हो गई, क्लियर हो गई, डन हो गया कि ये आपको आपके बैग में रखना बहुत मस्ट है। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आएगी। और अगर पसंद आती है मेरी ये वीडियो, तो आपने मुझे
बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कहाँ जा रहे हो और विंटर में कहाँ घूमने के लिए जा रहे हो। आपने मुझे बताना है मैं कहाँ घूमने के लिए जा रही हूँ, ये मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। और साथ साथ अपनी सारी वीडियोस बनाती रहूँगी, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आपने मेरे साथ कनेक्ट रहना है हमेशा। और अब जो मैं बनाऊँगी ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होगा, तो आपने लाजिम देखना है इसको, मैं फर्स्ट व्लॉग बनाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और बहुत सारा प्यार देने के लिए। आप अभी मुझे इतना फॉलो कर रहे हो, मुझे देख रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात की। और मुझे पता है मेरी वीडियो को लाइक भी कर दोगे, सब्सक्राइब भी कर दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।